आप देख रहे हैं खबर उजागर। अब हर खबर होगी उजागर। जिंदल कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मृतक के परिजनों ने जिंदल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला और एसपी कार्यालय पहुंचे। एसपी कार्यालय में बड़ी संख्या में लोगों को नारेबाजी करते आता देख एसपी कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों ने गेट बंद कर दिया। इसके बाद गेट के सामने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की, लोगों ने प्रदर्शन किया। कुछ ही समय में विभाग के उच्च अधिकारी और कोतरा रोड थाना प्रभारी, कोतवाली थाना प्रभारी भी और एसपी कार्यालय पर सूचना पाकर आए। प्रदर्शन कर रहे लोगों से पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बातचीत करने के लिए उन्हें कार्यालय में बुलाया। पूरे मामले की मौखिक जानकारी लेने के बाद परिजनों को मामले में संदेहजनक परिस्थितियों की लिखित शिकायत देने को कहा गया। जी, कोतरा रोड थाना क्षेत्र का ये मामला है रायगढ़ जिले का। इसमें अजय यादव नामक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में एक उसका शव मिला था, जिसको लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा था। परिजनों को कुछ बिंदुओं पर लेकर जांच को लेकर असंतोष था। उन बिंदुओं को अभी वो लेकर उसके संबंध में यहाँ एसपी ऑफिस आए हुए थे, जिसमें उनसे बातचीत की गई है और एक उनको संतोषजनक उनको जवाब भी इसमें दिया गया है। अभी वर्तमान में उनके द्वारा जिन बिंदुओं पर उनको असंतोष है या जिन बिंदुओं पर वो निष्पक्ष जाँच चाहते हैं, उन बिंदुओं का जिक्र वो अभी कर रहे हैं और एक लिखित में हम इसको संज्ञान में लेकर निष्पक्ष जाँच करेंगे, हमने उनको आश्वासन दिया है। थैंक यू। कैलाश आचार्य की रिपोर्ट।